ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੇਲੇ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਸੈਟਲ ਤਾਂ ਸੀਗੇ हूँ इंडिया कैनेडा का मसला जहा चल इंडियन एम्बैसी चो काफ़ी जाणियां दा सुनन चाह रहा कि घटा रहे ने स्टाफ घटा रहे ने उस करके उसकी पासपोर्ट की प्रोसैसिंग टाइम होर लंबा चल रहा है उसनों मैनू उस तो सुनन च ये भी आया कि उसनों अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही एम्बैसी की वो बहुत ज़्यादा ट्रबल च इंडिया ट्रैवल करना वापस उहदा डर लग रहा कि की बनू की ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है लाइक सबका हर स्टूडेंट का गोल है कि पेरेंट्स को अपने कॉन्वोकेशन पे या आगे कभी ना कभी तो बुलाएं सो अगर वीज़ा बैन लगता है तो एक वो सपना तो गया पेरेंट्स को यहाँ लाने का दूसरा खुद की भी टेंशन है ना कि वो अगर आज कंट्री वीज़ा पेरेंट्स के लिए या बाहर वालों के दूसरे इंडियंस के लिए बैन कर रही है तो जो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि PR नहीं है जिनका सो उनको भी कभी ना कभी शायद कुछ करे उनके लिए तकलीफ करे PR में सो स्ट्रेस तो काफ़ी है उस बात से कोई स्टूडेंट्स टेंशन में है जो स्टूडेंट्स वर्क सिचुएशन में आना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है ऐसा न्यूज़ में है कि इंडिया से सारे वीज़ा बैन हो चुके हैं जिसकी वजह से काफ़ी जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपना परमानेंट रेसिडेंसी एंड सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लाइफ में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है ज़्यादा तकड़ी एक्सपैक्टेशन ना रखो कि उरे आउंदी तुहाडी लाइफ च ड्रास्टिक चेंज आउणगे चेंजेस आउणगे सब कुछ बैक स्मूथ होगा पर थोड़ा टाइम लगना है अपने पहले चार हरेक स्टूडेंट दे इंटरनेशनल स्टूडेंट दे पहले चार महीने बहुत चैलेंजिंग रहिंदे ने इंडिया ते कैनेडा दी गवर्नमेंट दे दरम्यान जिहड़ा तनाव चल रहा है वो ओदी वजह नाल स्टूडेंट्स बच्चे भी परेशान ने उन्हां दे वालदैन भी परेशान ने लेकिन मैं उन्हां नूं यही मैसेज देना चाहवांगी कि परेशान होने दी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स नूं इत्थे कोई जानी या माली नुकसान दा अंदेशा नहीं है गवर्नमेंट जिहड़े ने आपस च उन्हां दे तालुकात पहले भी बहुत अच्छे रहे ने ते असीं उम्मीद करने आ कि अग्गे भी इन्हां दे तालुकात जो है वो बेहतर हो जाणगे